हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया, डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे। मैंने पहले से ही सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दी हुई है, आपको एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखनी है। पहले प्रॉपर्टी 1 लिखनी है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर वन, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे a1 b1 c1 ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल्स टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एक डिटर्मिनेंट दिया है ऐसे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो उसका सिंबल ये है, रो टू कॉलम। या फिर यहां पे ri और ci भी लिखते हैं, रो को कॉलम में ट्रांसफर करो। तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, उसको मैं डीडेस बोल देता हूं। डीडेस नया जो डिटर्मिनेंट आएगा रो को कॉलम में ट्रांसफर करने के बाद, उसको मैं डीडेस बोल देता हूं। डीडेस क्या आएगा? a1 b1 c1, फिर क्या आएगा? a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, आप निकाल के देख लेना। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? d इज इक्वल्स टू डी डेस। ये एग्जाम्पल वैल्यू आपको निकालनी है, मैं आपको बोलूंगा कैसे निकालनी है। d इक्वल टू डी डेस यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब सेम रहती है? सारे रो को आप कॉलम में क्या कर दो? इंटरचेंज। टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको ये बोला है वेरीफाई प्रॉपर्टी वन वेरीफाई करने को बोला है। प्रॉपर्टी वन वेरीफाई करो यानी आपको एक गिवन मैट्रिक्स दिया, सॉरी गिवन डिटर्मिनेंट ये होगा 2 3 6 0 1 2 7 8 2, ये आपको गिवन डिटर्मिनेंट है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर्टी वन आपको वेरीफाई करनी है यानी आपको क्या करना है? पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी आए आप इसकी वैल्यू निकाल लो जो भी आए, फिर प्रॉपर्टी वन अप्लाई करो। प्रॉपर्टी वन क्या थी हमारी? प्रॉपर्टी वन क्या थी? सारे रो को किस में कन्वर्ट कर दो? कॉलम में। तो ये मैंने क्या किया, 2 3 6 2 3 6 0 1 2 0 1 2 7 8 2 7 8 2, प्रॉपर्टी वन अप्लाई कर दी। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था, ये डीडीएस कहां से आया? प्रॉपर्टी वन अप्लाई करने के बाद आया। अब इसकी वैल्यू निकालना। दोनों आंसर कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए और सेम ही आएंगे, आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको करने हैं। मैं सारी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन एग्जाम्पल आपको करने हैं, वेरीफाई आपको करनी है। टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि प्रॉपर्टी वन वेरीफाई करो, प्रॉपर्टी टू वेरीफाई करो। तो प्रॉपर्टी वन वेरीफाई करने के लिए आप पहले क्या करोगे? गिवन डिटर्मिनेंट में वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, दोनों की वैल्यू निकालोगे। ओके, तो प्रॉपर्टी वन ये हमारी थी। तो आपको क्या लिखना है, आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, पहले प्रॉपर्टी वन लिखनी है फिर ये उसका एग्जाम्पल लिखना है। ओके, सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लिख ली है। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या है प्रॉपर्टी? इफ एनी टू रो एंड और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब ये गिवन डिटर्मिनेंट है उसमें मैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। ये फर्स्ट नंबर की थी, पहले ये कॉपी कर लेना फिर ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना। अब सेकंड नंबर के लिए चलो, सेकंड नंबर में क्या बोला है? ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, सेकंड नंबर में एग्जाम्पल यही रखेगी, ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है? किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है। मैं आपको सिंबल बताता हूं इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग, इस साइन का मीनिंग क्या होगा? r2 r3, और यहां पे एक दूसरा मैं साइन लिखता हूं c2
C1। इसका मीनिंग ये होगा, आपने इंटरचेंज किया किसको, रो या कॉलम को, R यानी रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज किया। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज किया, सिंबल में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो इनमें से कोई एक अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। ओके चलो ये वाला ऑपरेशन में अप्लाई करता हूं, डी डेस। क्या करना है आपको, सेकंड रो को थर्ड रो बनाना है और थर्ड रो को सेकंड रो बनाना है, यानी फर्स्ट एज इट इज A1 B1 C1, फिर सेकंड को थर्ड में लिखो A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, हाँ सेम नहीं होगी, इन दोनों की वैल्यू, डीडेस की वैल्यू और डी की वैल्यू अपोजिट होगी, यानी साइन चेंज होगा। यानी डी की वैल्यू 5 आ रही है तो डीडेस की वैल्यू -5 आएगी। ये प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करोगे, ये आपको गिवन डिटर्मिनेंट है डी, ओके वेरीफाई करने को बोले तो कोई एक रो या कॉलम इंटरचेंज कर दो, ये डी आपको गिवन है 0 2 -1 3 5 6 2 2 1। अब वेरीफाई करने के लिए यहां पे R3 इंटरचेंज R1, यानी R1 और R3 को इंटरचेंज करो, तो डी डेस में क्या होगा 3 5 6, सेकंड एज इट इज R3 2 2 1 2 2 1, और फिर 0 2 -1। डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू सोचो के आई, डी की वैल्यू कोई भी आई के, तो डीडेस की वैल्यू क्या आएगी -k। वेरीफाई आपको करना है, ये आपको याद रखना है, एक बार रो इंटरचेंज करने से जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है और ये इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू देता है। ये 5 देगा तो ये -5 देगा। अगर आपने दो बार इंटरचेंज कर दी तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, सर कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके तो ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखना और उसके बाद ये एग्जांपल लिख लेना। ओके के पहले आपको गिवन डिटर्मिनेंट क्या था, डी था, डी डिटर्मिनेंट में आपने R2 R3 अप्लाई किया तो डीडीएस आ गया, दोनों की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, दोनों अपोजिट हो गए, डीडीएस प्लस होगा देन डी क्या होगा माइनस होगा। ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। सिंपल, उसमें ये एग्जांपल नहीं चलेगा, एग्जांपल चेंज करते, डी दिया है ऐसे A1 B1 C1, फिर यहां पे A2 B2 C2, ओके, या फिर ऐसे दिया है डी डिटर्मिनेंट आपको गिवन है ऐसे, या फिर ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, ओके, फिर A1 B1 C1। देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट, देखो इसमें, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, रो सेम यानी उसके तीनों एलिमेंट, जितने एलिमेंट वो सारे सेम होने चाहिए। इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम है, आप कब बोल सकते हो, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहां पे क्या है बोलो, यहां पे कौन सी रो सेम है, R1 एंड R2। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, डायरेक्ट लिखनी है, क्या लिखनी है 0। और आपको एक्सपेंड करना तो आता है ना, एक्सपेंड करना, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये नीचे वाला डिटर्मिनेंट देखो, नीचे वाले डिटर्मिनेंट में क्या सेम है, ये फर्स्ट कॉलम है आपकी, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, देखो कौन कौन सी सेम है, C1 एंड C3 सेम है, दिख रहा है आपको C1 एंड C3 सेम है। दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट आपको क्या वैल्यू देगा, डी आपको क्या वैल्यू देगा 0। एक बार एक बात और याद रखिएगा,
कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए ना तो भी जीरो दे देगा, कोई एक रो या कॉलम के। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, सॉरी थर्ड। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? आइडेंटिकल वाली, थर्ड नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है देखते हैं। चलो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर्टी फोर, ये आपको गिवन डिटरमिनेंट है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये आपका गिवन डिटरमिनेंट है। अब ये सिंबल ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, R2 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से, या फिर उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं R2 ब्रैकेट में 3, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, कौन सी रो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग क्या होगा। C1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, C1, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, C1 में ब्रैकेट में 2 लिखते हैं। ओके, तो पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करो, R2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, R2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। चलो ये गिवन डिटरमिनेंट है, अब नीचे ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, ये वाला R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो डीडेस आपका क्या आएगा, आपका डीडेस क्या आएगा, डीडेस डी डैश ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, फिर सी वन सी टू सी थ्री। आर टू डायरेक्ट नहीं लिखनी है, उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना है, थ्री बी वन थ्री बी वन थ्री बी टू एंड थ्री बी थ्री। ओके, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में चेंजेस क्या होगा, तो इसकी वैल्यू डीडेस की वैल्यू थ्री टाइम्स डी होगी, थ्री टाइम्स हो जाएगी डी से। कुछ समझ में आया, इन शॉर्ट में दूसरी लैंग्वेज में बोलूं ना तो यहां से थ्री कॉमन आ गए, डीडेस में से क्या कॉमन आ गए, थ्री। मैट्रिक्स में क्या होता था, नाइन एलिमेंट्स में से कॉमन आता था, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट में रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम कॉमन आता है। देखो यहां पे ऐसे लिखा है 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2b3 2c1 2c2 2c3, ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट में से 2 कॉमन आएगा, नहीं 2 कॉमन नहीं आएगा, 8 कॉमन आएगा। सर कैसे 8, रो बाय रो कॉमन आते हैं, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन 2, सेकेंड रो में से टू, थर्ड रो में से टू, तो यहां पे एट आएगी, एट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। सर एट कहां से आए, एट यहां से आए, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फर्स्ट फर्स्ट रो से कॉमन आया, सेकेंड टू सेकेंड रो से कॉमन, थर्ड टू थर्ड रो से कॉमन, यानी किसी भी रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, दो रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, आया समझ में। और सारे एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी, वो भी कौन सा डिटरमिनेंट में, 3 क्रॉस 3 में, 4 क्रॉस 4 में, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगी, सोचना आप लोग। तो ये प्रॉपर्टी 4 लिखना और उसके बाद इतना एग्जांपल लिख देना, ओके, ये भी लिखना हो तो लिख देना। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5,
इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। भूल जाओ ये सब कुछ क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, कोई एक डिटर्मिनेंट गिवन है आपको, ऐसे डी करके, ऐसे गिवन है डी करके, यहाँ पे लिखा है ए वन प्लस ए टू, बी वन प्लस बी टू, सी वन प्लस सी टू, फिर ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए फोर बी फोर सी फोर। इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में टर्म्स जो दिए हैं वो सम के फॉर्म में दिए हैं, तो इस डिटर्मिनेंट के हम दो पार्ट कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट? आपको ये सोचो डिटर्मिनेंट के दो पार्ट कैसे करने हैं। कोई भी दो रो या दो कॉलम एज इट इज रखनी है, तब उसके दो पार्ट हो गए। जैसे कि इसके दो पार्ट हम करते हैं ऐसे, चलो दो रो या दो कॉलम एज इट इज रखो और बाकी जो बचेगी उसके दो पार्ट हो गए। तो इसमें सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों में एज इट इज लिख दो, ऐसे ए थ्री ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए फोर बी फोर सी फोर, इसमें भी एज इट इज ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए फोर बी फोर सी फोर, ए फोर बी फोर सी फोर। दो रो सेम लिखी, अब किस रो के पार्ट हो गए? फर्स्ट रो के। कैसे? ए वन बी वन सी वन हम फर्स्ट में लिखेंगे, ए वन बी वन सी वन हम फर्स्ट में लिखेंगे एंड ए टू बी टू सी टू सेकेंड में लिखेंगे। अब आप ये लोग पढ़ो, ये प्रॉपर्टी अब पढ़ो। डिटर्मिनेंट में कोई भी रो में सम के फॉर्म में एक रो दी है तो डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में आप ये तोड़ सकते हो, ऐसा बोलना चाहता है। इसमें ज्यादा आगे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखो मैंने सिंपल क्या बोला आप लोगों को, डिटर्मिनेंट के दो टुकड़े करने के लिए आपको दो रो एज इट इज रखनी है या दो कॉलम एज इट इज रखनी है। रिवर्स सोचते हैं, दो डिटर्मिनेंट का सम कब होता है? रिवर्स सोचो, दो डिटर्मिनेंट का सम कब होता है? दो रो सेम होनी चाहिए, ये दो रो सेम है तो फर्स्ट रो का सम होगा, या फिर दो कॉलम सेम होनी चाहिए, दो कॉलम सेम है तो वो दो कॉलम एज इट इज रहेगी और थर्ड कॉलम का सम होगा। यहां पे सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज, और कौन सी रो में सम हुआ? फर्स्ट रो में। ऐसा नहीं डायरेक्ट ए प्लस ए प्लस ए। डिटर्मिनेंट में सम करने के लिए क्या सेम चाहिए? दो रो या दो कॉलम। इसमें दो रो सेम है तो वो एज इट इज लिख दो और फर्स्ट रो का सम होगा। आगे थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ये लिख लेना पहले आप, इसमें एक्स्ट्रा एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसमें एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा देखते हैं। यहां पे लिखते हैं ए थ्री प्लस ए फोर, ए थ्री प्लस ए फोर, बी थ्री प्लस बी फोर, सी थ्री प्लस सी फोर, और यहां पे ए फाइव ए फाइव बी फाइव बी फाइव एंड यहां पे सी फाइव। चलो इस डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम आप कितने पार्ट करते हो कर सकते हो, यानी कितने छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बना के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो सम के फॉर्म में। मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो रो एज इट इज लिखनी है। चलो यहाँ पे कौन सी रो टूट सकती है? फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये फर्स्ट प्लस ये सेकंड, कोई दो रो एज इट इज लिख दो और तीसरी को तोड़ देना। सेकंड एंड थर्ड एज इट इज लिख देता हूं, ए थ्री प्लस ए फोर, ए थ्री प्लस ए फोर, बी थ्री प्लस बी फोर, बी थ्री प्लस बी फोर, सी थ्री प्लस सी फोर, ओके, और ए फाइव, यहां पे ए फाइव, फिर यहां पे बी फाइव, फिर यहां पे सी फाइव। इसमें भी एज इट इज लिख दो, ए थ्री प्लस ए फोर,
ए थ्री प्लस ए फोर, फिर बी थ्री प्लस बी फोर, बी थ्री प्लस बी फोर, फिर सी थ्री प्लस सी फोर, फिर ए फाइव, बी फाइव एंड सी फाइव। दो को एज इट इज लिखना है, दो रो को आपको एज इट इज लिखना है, फिर कोई एक रो ही दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब फर्स्ट रो को तोड़ दो, यहाँ पे लिखो ए वन, यहाँ पे लिखो बी वन, यहाँ पे लिखो सी वन, फिर यहाँ पे ए टू, बी टू एंड सी टू। ओके चलो अब इसको तोड़ो, कैसे, कौन सी रो एज इट इज रखोगे इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड कौन सी दो पार्ट में डिवाइड होगी, सेकंड, तो इसके दो टुकड़े हो गए ऐसे, फर्स्ट इसके दो टुकड़े हो गए ऐसे। चलो इसमें ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ए फाइव बी फाइव सी फाइव, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ए फाइव बी फाइव सी फाइव। सेकंड को तोड़ दो, तो यहाँ पे ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, यहाँ पे ए थ्री बी थ्री सी थ्री, फिर यहाँ पे ए फोर बी फोर एंड सी फोर। ओके ये वाला देखो, इसको दो डिटर्मिनेंट में आप एक्सप्रेस करो, दो टुकड़े करो, यानी इसके कैसे, बोलो कौन सी रो एज इट इज, फर्स्ट ए टू बी टू सी टू, फिर ए फाइव बी फाइव सी फाइव, ए फाइव बी फाइव सी फाइव, फिर यहाँ पे भी ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू, ए फाइव बी फाइव सी फाइव। ओके फिर यहाँ पे ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए फोर बी फोर और सी फोर। हो गए छोटे छोटे टुकड़े, कितने टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दिया, चार। अब रिवर्स सोचो आप, इन दोनों का सम कब होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है दिख रहा है, तो किसका सम होगा, सेकंड का सम हो गया। इन दोनों में फर्स्ट रो एंड सेकंड थर्ड रो सेम है, तो कौन सी रो का सम होगा, सेकंड रो का। इन दोनों में भी फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम है, तो सेकंड का सम हो गया। अब इसमें देखो, इसमें भी इसमें सेकंड एंड थर्ड सेम है, तो फर्स्ट रो का सम हो गया, ऊपर वाला आ गया। आया समझ में, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसको मैक्सिमम आप कितने डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकते हो, कितने, चार। ओके अगर यहाँ पे ऐसा होता, देखो ए फाइव प्लस ए सिक्स, बी फाइव प्लस बी सिक्स, सी फाइव प्लस सी सिक्स, तो आप कितने डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकते, एट। सर कैसे, डायरेक्ट देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है सम के फॉर्म में, टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे वन, इन दोनों का इनका प्रोडक्ट कर दो, वो आंसर आता है। आया समझ में, यहाँ पे क्या लिखा हो, ए फाइव प्लस बी फाइव, सॉरी ए फाइव प्लस ए सिक्स, बी फाइव प्लस बी सिक्स, सी फाइव प्लस सी सिक्स, ऐसा डिटर्मिनेंट दिया और मैक्सिमम आप कितने डिटर्मिनेंट में उसको डिवाइड कर सकते हो, तो एट। कैसे, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है और यहाँ पे दो एलिमेंट है, तीनों का प्रोडक्ट कर देना, वो आपका आंसर आएगा। प्रॉपर्टी फाइव में पहले प्रॉपर्टी फाइव लिखना, फिर दो एग्जाम्पल दिए, एक पहले लिखा है और एक ये प्रॉपर्टी फाइव के नीचे लिख देना। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिक्स, प्रॉपर्टी सिक्स पे बात करते हैं। चलो प्रॉपर्टी सिक्स क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। जाने दो, एग्जाम्पल देखो पहले, फिर बाद में समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है डी, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ओके तो आपको इस प्रॉपर्टी में रो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी रो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, रो को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड करना है, या फिर कॉलम को मल्टीप्लाई करके दूसरी कॉलम में ऐड करना है। मैंने ऐसा लिखा, देखो ऐसा लिखा,
R2 में हम क्या करेंगे, 2R3, ये हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, या फिर ऐसा लिखा, इसी डिटर्मिनेंट में दूसरा ऑपरेशन में क्रिएट करता हूँ, C1 में मैं क्या करूँगा, 2C2 या फिर 3C3, चलो ना 3C3, चलो पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, नया डिटर्मिनेंट D' बोलो, चेंज कहाँ पे होगा, R3 में होगा या R2 में, चेंज जहां पे ऐड करना है वहां पे ही होता है, R3 में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सर आपने तो ये लिखा R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आप ऐड करो तब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहां पे चेंज कहां हो रहा है, R2 में, पहले ये भूल जाओ थोड़ी देर, वो बाद में देखेंगे, अच्छा R2 में ही चेंज होगा, इसका मीनिंग ये होगा R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करो, R2 में ये सब करना है, ऐसा लिखा है, अच्छा तो मैं पहले A1, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, A1, A2, A3, अब R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा, C1, C2, C3, C1, C2, C3, ओके, अब R3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, और R2 में ऐड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2C1, 2C2, 2C3, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करो तब मल्टीप्लाई करना है, तो B1 था ऑलरेडी, क्या यहां पे था B1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करो, B1 प्लस 2C1, B2 प्लस 2C2, B3 प्लस 2C3, मैंने क्या किया, समझ में आया, देखो ये C1 में हमें क्या करना है, ये क्या किया मैंने, देखो ये क्या किया, C2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और कहां ऐड किया, C1 में, और चेंज कहां पे होगा, C2 में या C1 में, C1 में ही चेंज होगा, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कब, जब आप ऐड करो तब, इसका बोलो इसका मीनिंग, C3 को -3 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड करो, आया समझ में, ये ऑपरेशन करना है, ओके चलो, तो वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, D = क्या आएगा, D', ये आप वेरीफाई कर लेना, D = D', किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके अनदर रो एंड कॉलम में ऐड करते हो तो वैल्यू सेम रहती है, ओके तो फिर से एक बार सारी प्रॉपर्टी आप लोग 1 by 1 रिवाइज करना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि रो को कॉलम में, सारे रो को सारे कॉलम बना दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ एनी टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी ऐसे थी, सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाओ और फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाओ तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी जो ओरिजिनल में थी वो, थर्ड क्या थी, कोई भी दो रो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, 0, दो रो या दो कॉलम, ओके फोर्थ क्या थी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट, अच्छा किसी रो को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाती है, दो रो को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट रो में से भी 5 कॉमन आएगा एंड सेकेंड रो में से भी 5 कॉमन आएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25 टाइम्स हो जाएगी। फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पढ़ी, वो टुकड़ों में डिवाइड करने वाली, डिटर्मिनेंट के टुकड़े करने के लिए दो रो सेम रखो और तीसरी रो के टुकड़े करते जाओ। और सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे, किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके आप किसी रो और कॉलम में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेस पे हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसी के बेस पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ इसमें से ही, तो ध्यान से आप लोग ये देख लेना और इसको वेरीफाई कर लेना, और आज के होमवर्क में आप NCERT में से 1 to 10 तक के एग्जाम्पल कर लेना, ओके उसमें कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में आपको वैल्यू निकालनी है सिंपल, और बाकी 3-4 एग्जाम्पल है उसको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, और प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके थैंक्स।